मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 6 ऑफ अवर ट्रिप टू भूटान। हम जा रहे हैं आज थिम्पू से फुनाखा की ओर, बट उससे पहले कल हम बुद्धा दौड़ते माँ गए थे, लेकिन शाम को गए थे। अभी हम मॉर्निंग में भी एक जा रहे हैं सुबह के 8 बजे। तो बुद्धा दौड़ते माँ, वैसे अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो वो 9 से 5 दिखाता है, लेकिन आप अपनी कार को भा पार्क करके किसी भी टाइम अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम शायद 8:30 बजे तक ऊपर पहुँच जाएंगे। हम बुद्धा दौड़ देमा को शूट करके हम होटल वापस आएंगे एंड देन वी विल लीव फॉर फुनाखा। फुनाखा में जाने का हमें भी होटल भी ढूंढना है। सो बट एक चीज़ अच्छी ये है कि कल हमारे सारे भूटान के पेपर वर्क हो गए। मंडे को हमारे 2.5-3 घंटे वो लगे सिर्फ अपना पासपोर्ट वगैरह का काम कराने के लिए, इमिग्रेशन का एंड एंट्री परमिट लेने के लिए। उसके बाद हमने एक एजेंट को भी पैसे दिए जो हमारा RST ऑफिस से यहाँ का कार का परमिट लेके आया था, ठीक है। और फिर कल हम गए थे थिम्पू के ऑफिस में, क्योंकि हमें फुनाखा के जाना है तो हमें आगे जाने के लिए अपना परमिट वो चाहिए था। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये थी कि एक तो ऑफिस खाली था, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए और उन्होंने बोला यू कैन चेक बैक एट 2:30। हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे 10:30 के अराउंड। तो हम जाके अपनी साइट सीइंग करी और हम वापस गए, तो हमें हमारा एक्सटेंडेड परमिट मिल गया। सो परमिट मिलने के बाद हम गए थे आरएसटी ऑफिस में। आपको जाने के बाद टोकन लेना पड़ता है, देन आपका जब टोकन नंबर डिस्प्ले होता है तो आपको वहाँ के काउंटर पर जाना पड़ता है ना, आपको अपने एक्सटेंडेड परमिट का कैश पे करना पड़ता है। बट क्योंकि हम वो सारा कैश चुके थे तो हमें वो करने की ज़रूरत थी नहीं, बट हमें पता नहीं था तो हम वहाँ पर हमने टोकन ले लिया। फिर हमें बोला गया कि आप नीचे जाइए। नीचे उसमें आई से कि -1 या बेसमेंट में उसका एक ऑफिस है जहाँ पर, जिसको वो बेस ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पर एक कोई बैठा जो आपके उस पर आपके पेपर पे जो आपको आरएसटी ऑफिस फिनिशिंग से आपको जो पेपर मिला तो उस पर वो स्टैम करेगा। फिर आपको जाके उसको फोटोस्टेट कराना है एंड देन दोबारा उसके पास आना है। सो हमने उससे अपना परमिट लिया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमारा वो परमिट भी हमें मिल चुका है। तो अब हम जाएंगे थिम्पू यहाँ से शूट करने के बाद, और अब नहीं, हम अब थिम्पू से शूट करने के बाद जाएंगे, फिर परमिट भी हमें मिल चुका। बेस्ट पार्ट इज अब हमारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अब कोई ऐसी हेक्टिकनेस नहीं है, बस हमें होटल ढूंढना है एंड ऑल। So I'll update you आगे का क्या होता है, पर उससे पहले I'll show you बुद्धा दौड़तेमा। तो अभी हम जा रहे हैं बुद्धा दौड़तेमा इन द मॉर्निंग, कल शाम के बाद फिर से अभी शूट करने के लिए। तो आज जो डे 6 है वो थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि स्पेशल क्या है पर थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा, क्योंकि आज मैं स्टेयरिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज प्रेम चलाएगा सिर्फ अपनी गाड़ी। सो आज ड्राई फ्री डे है मेरे लिए, ड्राई डे। सो तो आज मैं सिर्फ चिल मारूंगा और यहाँ बैठ के शूट करता रहूँगा या बतियाता रहूँगा, ठीक है। सो ऊपर जाके वो करते हैं। बुद्धा दौड़तेमा पहुंचने के बाद 2 पार्किंग है, एक ठीक मेन गेट के सामने और एक है बुद्धा दौड़तेमा के स्टैचू के ठीक साइड में, जहां से आप इस राइट साइड वाली रोड से जा सकते हैं और 1-2 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचेंगे, आपको सीधी सामने पार्किंग मिल जाएगी। ये इस वाली पार्किंग में आपको ये स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ेगी, जो कम से कम 100 से ऊपर स्टेयर है, तो ये बात का ध्यान रखना, यहां से आपको स्टेयर क्लाइंब करनी पड़ेगी। और आपके साथ ओल्ड लोग हैं तो आप उसी पार्किंग को प्रीफर करें। सो हियर वी आर विद, आपका नाम क्या है? नादोर। एंड इज, इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें यहाँ पर, अच्छी अपने बारे में और सिटी के बारे में चीज वो बताइए चीज़ें, और इनसे पूछने के बाद ही हम यहाँ कार पार्क करके जा रहे हैं, बिकॉज हम सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। तो इन्होंने बताया यहाँ पर सेफ है पार्क करना, यहाँ पर भी अलाउड है, 2 पर भी हमारे पास पार्किंग है, बट हमें अगर स्टेप करके जाना है, क्लाइंब करना है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं। एंड ये जो पूरी क्लाइंब है इन्होंने बताया कि ये इसलिए क्योंकि बुद्धा दो ही वॉज like God, but when his mother was suffering, he have to come down. Yes. Right. So just to showcase that, ki that even he have to come down and to, you know, to relieve that memory, they have made this like. All this. So now we have to do this climbing.
देखो चार सीढ़ी चलने पे रास्ता खुलती है। अभी मेरे हाथ में गिम्बल था तो प्रेम को दिया है, लेकिन कुछ वेट लेके चल रहे हो तो आज फूलेगी। ठीक है थोड़ा, आई डोंट नो, शायद 100 स्टेप्स होंगे, मोर देन 100, समवेयर अराउंड 200, बट एट द एंड यू आर गोइंग टू सी and this is me getting exhausted and Prem जो भी अभी सीधा खड़ा हुआ है, 5 मिनट पहले अपने घुटने पकड़ के खड़ा था। सो we are at top of Buddha Tortema statue. This is the highest point you can come to. इसके ऊपर सीधा स्टैचू है और इसके ऊपर किसी भी चीज़ पे चढ़ने की कोशिश ना ही कीजिए, क्योंकि जिससे भी यहाँ बात हो रही है, दैट अदर गाय वो केम लाइक अ मंथ बैक और वो इनके किसी स्तूपा के ऊपर चढ़ गया था। हर कोई वही बात कर रहा है कि दैट्स नॉट कूल। सो यहाँ पर please respect their tradition and their values jo bhi hai, and this is the highest point you can come to, and you can click picture here also. So achhi jagah hai, is time dhoop zyada hai but jagah achhi hai shayad, par yahan pe thandi hawa bahut hai to halki jacket ya kuch pehni hai, khas kar is time abhi to dhoop hai so itni zarurat nahi hai, lekin subah ke time aur sham ke time yahan bahut tez hawa chalti hai, and maybe agar aap sham ko 5-6 baje ja rahe ho to you also need a कैप ऑल्सो। अंधेरा भी जल्दी हो जाता है 5 बजे तक ही, तो 4 बजे भी अच्छा टाइम है क्योंकि तब शायद धूप ना हो। तो बट रियली नाइस प्लेस। तो हेलो एवरीवन, सो अब हम फाइनली थिम्पू से जा रहे हैं फुनाखा। 2 दिन थिम्पू में रहने के बाद, एक अच्छे होटल में रहने के बाद हम फुनाखा जा रहे हैं, एंड एज आई सेड आज फ्री डे है तो आज प्रेम भाई गाड़ी चलाएंगे पूरे दिन या 2-2.5 घंटे जो हमें फुनाखा तक पहुंचना है, उसके बाद देखना हमें गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी वहाँ पर जाके।
हमें वहाँ जाके होटल भी ढूंढना है, हमने होटल नहीं बुक कराया। मैं ना सोच रहा था, मैंने कुछ ऑनलाइन मैंने थोड़ी देर के लिए खोला भी, लेकिन होटल थोड़े से महंगे शो हो रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि वहीं जाके देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता। थिम्पू से अब हम फाइनली निकल के जब पुनाका जा रहे हैं। एक बात मैं थिम्पू के बारे में आपको बता देता हूँ कि एज रेस्ट ऑफ द भूटान दिस इज़ ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज सिटी, सब कुछ बड़ा ही ऑर्गेनाइज है, पार्किंग वगैरह, तो कहीं भी पार्क ऐसे वैसे मत करना, जहाँ पार्किंग की स्ट्रिप्स है वहीं पार्क करना। आपको हर जगह ट्रैफिक पुलिस या पुलिस नज़र आ जाएंगे जो ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए उनके इशारे का कि वापस जाने के लिए बोलते। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमने गूगल मैप लगाया, गूगल मैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, या मैं बोलूँगा कि हाँ, मतलब अगर आप गूगल मैप चला रहे हो, अगर आप दिल्ली में चला रहे हो या किसी भी लाइक दिल्ली NCR में किसी सिटी में चला रहे हो या XY किसी भी मेट्रो सिटी में अगर आप इंडिया में वो चला रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट दिखा देता है आपको वो जा रहे हैं। 99% सारी रोडें सही होती है। यहाँ पर गूगल मैप हर रोड को बोलेगा कि आप जा सकते हो, लेकिन अब आपको वहाँ जाके ये चेक करना है, या फिर आपको ड्राइव करते करते ड्राइव इतनी स्लो रखनी है कि आपको देखना है कि साइन बोर्ड वो पे ये तो लिखा कि वहाँ जाना मना है। या बहुत सारी रोडें हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइम पे जाना मना है, या बहुत सारी रोडें हैं कि गूगल मैप बोलेगा वो आप मुड़ जाओ राइट, लेकिन उस रोड से पहले साइन लिखा हुआ है या लगा हुआ है नो राइट टर्न, ठीक है। सो आप कहीं पर भी ऐसे ही राइट टर्न, या अगर आपने कोई अपना टर्न कट मिस कर दिया, तो यही नहीं आपने यू एकदम से आपने इंडिकेटर दिया और यू मार लिया, यहाँ ऐसा कोई नहीं करता। तो इस चीज का हमें वो रखना है ध्यान कि बस कहीं पर भी एकदम से ऐसी कट या ऐसे ही गाड़ी ना मोड़ लें हम। जैसे मैंने बताया कि सिटी में ट्रैफिक रूल्स एंड सब कुछ अच्छे से फॉलो होते हैं, तो रोड की स्पीड लिमिट जो थिम्पू में है वो है 50। जी हाँ, 50 से ऊपर गाड़ी ना ही चाहिए, या उसके अंदर ही मैं बोलूँगा आप अपनी गाड़ी को रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लाइसेंस वो लोगों के लाइसेंस वो जाते हैं जब्त हो जाते हैं, या फिर उससे वो कर देते सीज। सो क्या कहते हैं, तो वैसे ओवरऑल अच्छी एरिया है। कुछ ही यहाँ पर ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर आपको स्टीप इंक्लाइन में गाड़ी चलानी होगी, जैसे सिटी में जो क्लॉक टावर का एरिया है, जहाँ से लोग में मोस्टली सिटी के आसपास ही उसी एरिया के आसपास होटल बुक कराते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी इंक्लाइन नहीं है इतनी ज़्यादा, तो ऐसी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बुद्धा डॉरतेमा जा रहे हैं या BBS टावर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी इंक्लाइन है, तो वहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी ध्यान से चलानी है। दो इतनी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पतली वो रोड है, आपको रोड नहीं मिलेगी एंड ऑल रोड आपको मिल जाएगी ना, चौड़ी रोड है, कोई सामने से गाड़ी आ रही होगी तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर काफ़ी सारे हेयर पिन बैंड भी है और इंक्लाइन भी है। उसके अलावा बीच में पैची रोड्स है, ऐसा नहीं है कि हर जगह, जैसे सिटी के बीच जाएंगे तो रोडें अच्छी है, लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादातर कहीं कहीं पर जैसे दौड़तेमा की तरफ बीच में पैची रोड्स है। एंड अगेन, गूगल मैप फॉलो करेंगे तो आप क्या पता है किसी डेड एंड में पहुंच जाए, या रोड आगे जा रही हो लेकिन वो पूरी तरह से टूटी पड़ी हो और लोगों ने उसे वो कर रखा है बंद। हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमने लोकल से हेल्प ली, उनकी कार को फॉलो किया और उसके बाद हम जाके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि मतलब जब भी आप गाड़ी के चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या बाइकिंग कर रहे हैं। सो अच्छी सिटी है थिम्पू, लाइक आ रहे हैं विजिट कीजिए, रहिए, अच्छे होटल है। लाइक हमारा जो होटल केकिल जो हमने इसमें हम रुके थे, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छे रूम है, काफ़ी अच्छी उनकी सर्विस है, एंड ऑल वुमेन स्टाफ है उनका। सो अगर आप क्या कहते हैं कि गर्ल्स का पूरा ग्रुप है, तो मैं बोलूँगा वहाँ पर आके आप यू मतलब वैसे भी सारे होटल सेफ है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग स्पेसिफिकली इफ़ यू लाइक जस्ट वांट टू बी यू नो अराउंड कि हाँ चलो सारे वुमेंस ही है आसपास आपके, तो इट विल बी रियली ग्रेट। तो चलिए, जितनी ये इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी थिम्पू, और हाँ, थिम्पू इज़ द लास्ट प्लेस जहाँ पर आपको अपने पेपर वर्क करवाने होंगे अगर आपको फुनाका साइड जाना है, तो इसके बाद आपकी ये हेडेक हट जाएगी कि आपको पेपर वर्क करना है, ये करना है। वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स, दो तीन बार पहले भी बता दिए, डॉक्यूमेंट सुबह जाके दे दीजिए और दो तीन घंटे बाद अपना टूर करने के बाद आके चेक कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट हुआ है। और अगर आपके पास कार या बाइक है, तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर फिर RSTO ऑफिस को जाइए, वहाँ पर शो कीजिए एंड यू आर डन। उसके बाद बस वो डॉक्यूमेंट जहाँ भी चेक पोस्ट जाएगी उनमें आपको शो करने होंगे। सो अब यहाँ से 2 घंटे में हम पहुँचेंगे फुनाका, एंड लेट्स सी फुनाका कैसी जगह है, एंड लेट्स एक्सप्लोर फुनाका देन, एंड लेट्स डू ड्राइव एंड एक्सप्लोर एट फुनाका।
टोचुला पास जिसकी हाइट है 10,171 फीट, ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है भूटान में, एंड दो इंडिया में आज से काफ़ी आपको बड़े पॉइंट मिल जाएंगे, बट भूटान के हिसाब से ये अभी सेकंड हाईएस्ट है। और ये इसके सामने स्तूपास बने हुए हैं, सो जिसके इसके बीच में आप जा सकते हैं। आई विल शो यू। तो ये इसकी एंट्री है, लेट्स गो इनसाइड। भूटान रॉयल आर्मी ने 2003 में अपना पहला ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने भूटान में छिपे रेबल्स पे अटैक किया था, एंड उसमें 108 भूटनी सोल्जर लॉस देयर लाइफ, एंड टू ऑनर देयर मेमोरीज भूटान ने ये टोचुला पास बनाया, एंड यहाँ पर 108 स्तूपास है फॉर दोज 108 सोल्जर्स। सो अच्छी जगह है ये भी, जो हम थिम्पू से फुनाका की तरफ जा रहे हैं, तो ये रास्ते में ही पड़ा है, मुश्किल से शायद 15 किलोमीटर चले होंगे हम थिम्पू से, ये 15 से 20, और ये बीच में आ गया। सो अच्छी जगह है, अगर आप थोड़ी और शाम को आएंगे तो शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, या मॉर्निंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी ठंड, क्योंकि एकदम ओपन है और सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली एज यू कैन सी अराउंड हम ऑलमोस्ट बाकी सारे माउंटेंस के सिमिलर हाइट में ही हैं जो इसके आसपास है। सो जो दूर है वो दूर है, बट एज़ पर मोटरेबल रोड हम ऑलमोस्ट सबके हाइट के आसपास ही है। सो ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप लंबा टाइम स्पेंड करें जब तक आपकी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं होती, बट एक बार गाड़ी या बाइक रोकी और उतर के ज़रूर इसका व्यू ले। अच्छी जगह है क्योंकि चलते चलते कुछ ऐसे सीनिक शॉट मिल जाते हैं, यू फील लाइक अब यू आर एट टॉप ऑफ द माउंटेन, तो अच्छा लगता है ना। सो दिस इज़ द अदर एंड ऑफ इट। सो हमारी कार अभी अपोजिट साइड ही पार्क है। सो दिस इज इट, आई थिंक यहाँ से एग्जिट नहीं है, सो अगेन उसी एक जगह से एंट्री और एक ही जगह से एग्जिट है इसका। सो हमें वापस उसी साइड जाना है और वहीं से हमें एग्जिट करना है इसका, टोचुला पास 10,171 feet टू बी प्रिसाइज। यार थकावट बड़ी हो जाती है एक बारी से गिम्बल को लेके, थोड़ी सी हाइट लेके और फिर चढ़ने की। ऑलमोस्ट सारे व्लॉग में आप लोगों को हाथ तो ही देखा होगा, तो मैंने काफ़ी एक्सरसाइज करके अपने हाथ आर्म्स को तो स्ट्रॉन्ग करा हुआ है इसके लिए कि भैया एक हाथ से गिम्बल को होल्ड कर पाए, क्योंकि ये बहुत भारी सेटअप है, बट ठीक है जो करना है वो तो करना ही है। चलिए कार के पास चलते हैं।